नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। खबर रीवा से है, जहां सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू जनवादी कार्यप्रणाली में काम करने वाला संगठन है, जिसके 3 वर्ष के अंतराल में राष्ट्रीय, प्रादेशिक, जिला व यूनियन के सम्मेलन होते हैं। इन सम्मेलनों में पिछले सम्मेलन के लिए लिए गए निर्णयों की समीक्षा के साथ आगामी 3 वर्षों के कार्यभार व लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। संगठन के प्रदेश महासचिव प्रमोद प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष रामविलास गोस्वामी, जिला अध्यक्ष गिरजेश सिंह सेगर, जिला महासचिव सौरभ मिश्रा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पदाधिकारियों ने बताया कि सीटू मध्य प्रदेश का 14वां राज्य सम्मेलन 1 से 3 नवंबर 2022 को सिंधु भवन SF चौराहे में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन स्थल का नाम रीवा के विख्यात मजदूर नेता कमरेड विद्याशंकर मुफलिस के सम्मान में विद्याशंकर मुफलिस नगर रखा गया है। सम्मेलन हॉल के मंच का नाम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के संस्थापक नेता एवं सीटू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुधीर तालुकदार तथा मध्य प्रदेश के विख्यात अधिवक्ता सीटू के पूर्व राज्य सचिव सरस शुक्ला के नाम रखा गया है। पदाधिकारियों ने बताया कि 1 नवंबर को रैली के बाद शाम 4 बजे सम्मेलन के प्रतिनिधि सत्र शुरू होंगे, जो 3 नवंबर को अपराह्न 3 बजे तक के विभिन्न क्षेत्रों में चलेंगे। आइए आपको सुनाते हैं सीटू नेताओं ने क्या जानकारी दी है। यहाँ पर सेनाओं में अगर 4 साल की भर्ती ली जाए जी, ये पत्रकार वार्ता इसलिए की हम लोगों का, हमारा जो 14वां राष्ट्रीय सम्मेलन प्रांतीय सम्मेलन है वो रीवा में 1 से 3 नवंबर तक हो रहा है। हर 3 साल की अवधि में हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन से लेकर जिला स्तर तक के सम्मेलन हो रहे हैं, उसी क्रम में ये सम्मेलन हो रहा है। ये बड़े गर्व की बात है कि ये सम्मेलन का आयोजन रीवा में हो रहा है। रीवा में SAF ग्राउंड के SAF चौराहे पर सिंधु भवन है, वहाँ ये सम्मेलन चलेगा। वो सम्मेलन स्थल का नाम हम लोगों ने रीवा के जो मशहूर मजदूर नेता थे विद्याशंकर मुफलिस, उनके नाम पर रखा है। और जो सम्मेलन की जो मंच है वो सुबीर तालुकदार, जो दवा प्रतिनिधि बड़े नेता थे, और शरद शुक्ला, जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय प्रदेश सचिव थे, उनके नाम पर 1 तारीख को 1 बजे से कॉलेज चौराहे से यहाँ के रीवा के सीटू के कार्यकर्ता और समर्थक एक रैली निकाल कर इस सभा आम सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। और ये रैली करीब 2 बजे 1:30 बजे के आसपास कोठी कंपाउंड में कमिश्नर कार्यालय में आमसभा में तब्दील होगी। आमसभा का जो मंच है उस मंच का हमने नामकरण मनीष शुक्ला मंच किया है। आपको मालूम है कि अभी आज से 10-15-20 दिन पहले ही KJS सीमेंट मैयर में हमारा जो सीटू का युवा नेता था 32 वर्षीय मनीष शुक्ला, उसकी मैनेजमेंट और दलाल इन्होंने के गठजोड़ दे हत्या कर दी। वो हमारा शहीद है और इसलिए उस शहीद को याद करते हुए उसके सम्मान में हमने मनीष शुक्ला मंच आमसभा का मंच रखा है। 1 तारीख के शाम को 4 बजे से और 3 तारीख के शाम को 4 बजे तक करीब करीब 5 प्रतिनिधि सत्र होंगे सम्मेलन में, और उन प्रतिनिधि सत्रों में विभिन्न विषयों पर हमारे साथी सब जो 300 प्रतिनिधि आ रहे हैं मध्य प्रदेश भर के, वो चर्चा करेंगे और आने वाले 3 सालों के लिए अपने कार्यक्रम का निर्धारण करेंगे, आंदोलन की दिशा तय करेंगे। तो इस लिहाज से हमारा आपसे अपील है कि सम्मेलन का जो संदेश है और संदेश सम्मेलन के बारे में आम जनता को परिचित कराने में आप भी हमारा सहयोग करेंगे, उसी अपील के लिए और इसकी जानकारी देने के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है।